नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। बहाने बनाना बंद कर दो यार, कुछ नहीं मिलने वाला है बहाने बनाने से। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो अभी लाइफ शुरू ही हुई है, 15 साल, 16 साल, 17 साल, बहाने बनाने के सिस्टम को अपने अंदर बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल, साल 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 साल। बहाने की श्रृंखला इतनी लंबी हो चुकी है कि जिंदगी कहाँ पीछे छूट चुकी है पता ही नहीं है। और उस बहाने में ना वो अपने सारे फेलियर्स को डालते हैं, सारे के सारे फेलियर्स को डालते हैं, उनमें से एक भी मत बनना। फिर उसके बाद एक और आते हैं 30 साल, 31 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल, 41 साल, 45 साल, खत्म, ऑलमोस्ट लाइफ। फिर उसके बाद वो वाले आते हैं जो अपने बहानों की कहानी को ऐसे मिक्स करके बताने के लिए रेडी हो जाते हैं, वो 50-50 के बाद वाले। ऐसा हमारे साथ होता था, हुआ था, हम नहीं कर पाए थे, ये नहीं बताएंगे। हम आराम से पड़े हुए थे, हम बस पड़े पड़े आसमान निहार रहे थे, तारे गिन रहे थे, आज की डेट वाले रील्स देख रहे थे, घंटों अपना समय सोशल मीडिया पे बर्बाद कर रहे थे, बजाय ये बोलने के वेट मेरी जिंदगी जा रही है यार, मेरा एक एक दिन जा रहा है यार, मेरा एक एक घंटा जा रहा है यार, इसमें क्या ग्रोथ मिल रही है मुझे? बहाने मारने से क्या ग्रोथ मिल रही है? आप सच्ची सच्ची बता दो, जितने लोग यहाँ पर घंटों रील्स, फोन, टीवी, इस दुनिया में उलझे हुए हैं, ओवर थिंकिंग आपको कहाँ से मिलती है? ये ओवर थिंकिंग आपके पास ये फोन नाम की जो चीज आ गई है ना, वहां से मिलती है, ठीक है? उसके बाद जब सारे लफड़े यहाँ के खत्म हो जाते हैं ना, तो फिर नए लफड़े आप फोन के अंदर ही पाल करके लेके आते हो, वो होते हैं आपके रिलेशनशिप। वहां से नए लफड़े लेके आते हो, फिर यहाँ से बोलते हो ये मिलकर के एक बहाना बना, और अब इस बहाने के अंदर कितने साल निकल गए पता नहीं चला। क्या बने आप इसमें? कुछ नहीं, एक बहाना। एक बात बोलूं मैं आपको, आप जितने बहाने बना सकते हैं आप बना लीजिए, एक दिन जिंदगी को बहाने रूप में छुपाते फिरोगे, कुछ नहीं बनेगा। इसलिए बेटर है कुछ बन जाओ, कुछ करो, उठो, आग जलाओ अपने अंदर। बोला क्या यार, ये सोफे में पड़े रह करके क्या होने वाला है, ये बेड पे पड़े रह के क्या होने वाला है, ये आराम से मस्त घुस करके अपने फोन के अंदर रील्स पे रील्स देख करके क्या होने वाला है, ऐसे पड़े हो करके अपने प्रेमी प्रेमिका के बारे में घंटों ओवर थिंकिंग करने से क्या होने वाला है? होने वाला है कुछ इससे, या तो आपका रिश्ता बेहतर हो जाए, आप कुछ पैसे कमा लो, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, आपकी बॉडी शॉडी बन जाए, आपके साथ कुछ होगा, मुझे बता दो। आप खुद इस बात का आंसर करो, आप ये जितने भी बहाने बना रहे हो उस एक भी बहाने से एक भी चीज अच्छी हो रही है? नहीं हो रही ना। लेकिन बुरी कितनी चीजें हो रही है वो देखो आप, आपके हर एरिया की ना ग्रोथ रुक गई। क्यों? क्योंकि वो एक बहाना आपके ऊपर हावी हो चुका है, और वो हावी होने वाले बहाने ने आपकी जिंदगी को बहाना बनाने की तैयारी कर लिया। कब? 50 के बाद बैठोगे और समझ में नहीं आएगा कि क्या जवाब दें। मत बनो वो, मत बनो। आप अभी इस वक्त उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो और बहाने दिए जा रहे हो ना, उठ जाओ यार, उठो, अपने अंदर है ना वो आग जलाओ, करना है। मुझे नहीं पता, ये नहीं होगा, वो होगा, वो नहीं होगा, वो होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, कुछ तो होगा। मैं अपनी जिंदगी बहाने के रूप में बर्बाद नहीं करने वाली, मैं अपनी जिंदगी को बहाने के रूप में बर्बाद नहीं करने वाला। मुझे जवाब देना है खुद को, दूसरों को तो बाद में। और ऐसे बहानेबाज बंडलबाज लोगों को ना कोई मरने के बाद भी ना कुछ सालों के बाद याद नहीं करता, मैं सच्ची बता रही हूं आपको, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना। कुछ है आपके बहानों के अलावा आपकी लाइफ में? कुछ भी दिया हुआ सहयोग है सोसाइटी को, आपके खुद के परिवार को? आपने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है जहां पर कुछ है? दुनिया को छोड़ो, मरने के बाद की भी छोड़ो, मुझे आप बता दो, आपके पास आपके लिए ही जवाब देने के लिए कुछ है? यस, नहीं है ना। मैं इतने यंग यंग बच्चों से बात करती हूँ, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, बहाने बना करके
अपने दिनों को बर्बाद कर रहे हैं, अपने हफ्तों को बर्बाद कर रहे हैं, अपने महीनों को बर्बाद कर रहे हैं, वो ये समझ ही नहीं रहे हैं कि ठीक है यार, ये जो बहाने वाला टाइम होना चाहिए ना 24 घंटे में से घंटा भर हो गया, बहुत है इसके ऊपर, नहीं मैं तो दे ही नहीं सकती, मैं दे नहीं पाई कभी आपको पता है इस एज ग्रुप में बहाने, क्योंकि अच्छा हुआ मैं मोटी थी, अच्छा हुआ मैंने अपने सर के ऊपर है ना 10 तरीके की जिम्मेवारियां डाल ली थी कि नहीं यार मैं रेंट खुद दूंगी, नहीं यार मैं अपने सारे खर्चे निकालूंगी, आज मैं अपने बारे में सोचती हूँ, अच्छा हुआ, नहीं तो मैं भी ऐसे पड़ी रह करके ना आज कुछ बताने लायक ना होती, मेरे पास कुछ नहीं होता, क्या होता बताओ, मनगढ़ंत कहानियां बताती ना मैं आपको, ये तो मैं आपको कभी नहीं बता सकती कि यार 27 kgs मैंने ऐसे वेट लूज किया था, फिर 22 से 25 kg मैंने अपने डिलीवरी के बाद में भी लूज किया था, और इस तरीके से मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया था, इस तरीके से मैंने मेडिटेशंस करना शुरू किया था, इस तरीके से मेरा एक स्ट्रगलिंग पीरियड था, इस तरीके से मैंने नाइट शिफ्ट में काम किया था, इस तरीके से मैं डे में जा करके स्ट्रगल करती थी, इस तरीके से मैंने अपनी लाइफ में जा करके धक्के खाए थे, एक भी बात मैं इसमें से बताती क्यों, क्योंकि मैं तो बहाने मार रही थी, फिर मैं 4 लोगों की ना कोई बात सुन के आती और वहां से कोई लिपटी लुपटी कहानी बताती और बस जी हो जाता, अगर वो हो जाता ना तो मैं आज यहां पे भी नहीं होती, क्योंकि वो बहाना मेरा यहां पर भी आता, क्योंकि वो मुझे आदत पड़ चुकी है, अरे कर लेंगे ना शूट, अरे ठीक है ना यार यूट्यूब तो घर की चीज है ना, क्या हो गया घर में ही तो है, क्या है बताइए ना आप, यूट्यूब पर एक वीडियो डालना कोई बहुत तोप का काम है मेरे लिए नहीं है ना, किसी के लिए भी नहीं हो सकता यार, आप लोगों के हाथ में है यूट्यूब, घर पर बैठना है, पोस्ट करना है, वाईफाई लगा हुआ है, ले क्या है, और मैं बोल दूँ नहीं है, एक हफ्ता तबीयत खराब हो गई थी, वेब सीरीज देख रही थी, फ्रेंड्स आ गए थे, रिश्तेदार आ गए थे, त्योहार आ गया था, मम्मी आ गई थी, ससुर जी के साथ ऐसा हो गया था, मेरे पीरियड्स आ गए थे, देख बहाने 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 में 365 के 65 दिन निकल गए और जिंदगी हो गई बर्बाद, मैं नहीं मारे ना बहाने, मैं आज अपने इस बात के ऊपर ना सबसे ज्यादा गर्व करती हूँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने अपने शरीर के ऊपर 2-2 घंटे दिए डेली डेली के, इसके बाद में पैसे बचाने के लिए जो एक अलग लेवल का स्ट्रगल था मेरा वो अलग ही था, पैसे कमाने के लिए अलग लेवल का ही एक स्ट्रगल था, अच्छा हुआ मैंने वो जिंदगी देखी, आज मैं ये बहाने मारने वाले जब बच्चों को देखती हूँ और मैं इस तरीके की जब जनरेशन जो यूथ है यार, ये क्या कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो, आपको पता है आगे आने वाले क्या टाइम होने वाला है, आपको पता है आगे आने वाले टाइम में जिंदगी भर आपके मम्मी पापा नहीं करके देने वाले, ये तो बात लिख लेना, मैंने तो पहले गिव अप कर दिया था, मेरे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उन लोगों की लाइफ एक स्ट्रगल से भरी हुई रही है और मैंने हमेशा चीजों को जूझते हुए देखा है, इसलिए मुझे लगा नहीं अब मेरे और जो 2 भाई बहन है उनके लिए करो आप मेरी तरफ से चिंता थोड़ी छोड़ दो, टेंशन मत लो कर लूंगी मैं, पूरी जिंदगी तो नहीं कर सकते थे ना वो, आज कर सकते हैं क्या वो, किसी के भी माँ बाप नहीं कर सकते यार, और क्यों लगाना है उन्हें पूरी जिंदगी, और बहाने मार के हम वो एक रास्ता तैयार कर रहे हैं, हम 50 साल की उम्र में ना ये बोल लेंगे, लेकिन इससे आपकी जिंदगी क्या बेहतर क्या हो रहा है, आप अच्छी जिंदगी जी रहे हो, आप कल को ये बोल सकते हो कि यार ऐसे फोकस कर लो, ऐसे किया था मैंने, ऐसे ट्राई किया था तुम ऐसे ट्राई कर लो, मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर ऐसे काम किया था तुम ऐसे ट्राई कर लो, मैंने ऐसा ऐसा किया था तुम ऐसे ट्राई कर लो, कुछ बता सकते हो, आगे आने वाले कोई लोग मिल जाएं, कोई ऐसी चीज करनी पड़ जाए आपको किसी के, तो आप मनगढ़ंत कहानियां सुन करके इधर की उधर की उधर की उधर की किसी की कुछ कुछ सुनी हुई बातें को 4 बातों को लगाओगे और कुछ भी अतरंगी बात जा करके किसी को बता दोगे, क्योंकि वो आपने जिंदगी भर बहाने मारे हैं, आज ओबेसिटी बढ़ गई है तो जब ओबेसिटी बढ़ गई है मोटापा बढ़ गया है तो हमारे पास एक बहाना है, ये तो आजकल है ही, आजकल है ही क्या, पारक भी आजकल है ही, टांगे भी आजकल है ही, दौड़ना भी आजकल है ही, एक्सरसाइज भी आजकल है ही, आज तो जितना ओपन है उतना तो कभी ओपन था ही नहीं, जिस लेवल पे आप फ्री में घर पे बैठ करके एक्सरसाइज कर सकते हो इतना तो कभी था ही नहीं, करते हो, जितना पढ़ाई के लिए आज आपके पास ऑप्शन है इतने कभी भी नहीं थे, करते हो बताओ ना मुझे, आज कमाई के जितने साधन है ना उतने कभी भी नहीं थे, करते हो बताओ ना, कितनी चीजों के लिए करते हो, बहाने बनाते हो, बस ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा कर लिया था, ऐसा कर लिया था, लेकिन जग रहे रात को 2-2 बजे 3-3 बजे, भाई साहब इतने बिजी हो, बल्कि काम करोगे अच्छी नींद आएगी, अच्छे से सोओगे मन में गर्व फील होगा, अच्छा लगेगा, कल को कोई रस्ते खुलेंगे, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, वो नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा, वो नहीं होगा तो कोई और चीज हो जाएगी, लेकिन कुछ तो होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा,
आपका शरीर अच्छा बनेगा, आपका माइंड शांत रहेगा, एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग को फील कर सकोगे। बहाने से सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन होते हैं जी, मोटापा बढ़ता है, माइंड का भी मोटापा बढ़ता है और शरीर का भी मोटापा बढ़ता है। 10 तरीके की बीमारियां लगती हैं, वो अलग, करियर नहीं बनता वो अलग, पैसे नहीं कमा सकते वो अलग, ये सब कुछ अलग होता है। और फिर हम ताने सुनने के लिए भी बैठ जाते हैं, हाँ मेरे साथ नहीं हुआ ना, किस्मत अच्छी नहीं थी ना। किस्मत क्या है यार, क्या है? हम जैसे इंसान ही लोग कमा भी तो रहे हैं ना, हम जैसे इंसान लोग ही मोटे से पतले भी तो हो रहे हैं ना, हम जैसे इंसान ही लोग तो पतले से मोटे भी हो रहे हैं ना, हम जैसे इंसान ही लोग तो अपने शरीर के ऊपर काम करके ऐसी स्टोरीज भी लेकर के आ रहे हैं ना, जहां पर हमें लगता है कि वाह इसने कर दिया, वो इंसान है ना, कहीं से एलियन उतर के आ गए हैं क्या? उन्होंने बहाने नहीं मारे। सच्ची बात यह है कि उन्होंने बहाने नहीं मारे, उन्होंने कर दिया, और उन्होंने कर दिया तो सामने आ गया। किसी का लेट आता है, किसी का जल्दी आ जाता है, किसी को थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग जाता है। आपके अंदर ना वो बहाने की आग से हट करके, जब तक रियल आग नहीं जलेगी ना, मैं आपको लिख के देती हूँ, जिंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं होने वाला। आप हर एरिया में नुकसान पालोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास बहाना है, और बहाना सबसे ज्यादा नेगेटिव चीज है, ये एक्सक्यूज है। आपको भी एक तरीके से एक्सक्यूज ही बनकर के रख देगी जिंदगी, और उसके बाद समझ में नहीं आएगा कि आप करें क्या, किसको क्या जवाब दें, किसके साथ अपनी आंखों से आंखें मिलाएं। हम अपनी आंखों से आंखें नहीं मिला सकते। आज अगर मैं ये कहूँ ना कि अगर मैंने जिंदगी भर बहाने मारे होते और आज एक बहाने वाली जिंदगी जी रही होती, मैं शायद अपनी आंखों में आंखें डाल करके कभी खुद को ठीक से ना देख पाती। लेकिन आज मैं देख पाती हूँ, अपने बच्चे को 4 बातें बता पाती हूँ, आप लोगों से 4 बातें शेयर कर पाती हूँ, अपनी जिंदगी को पलट करके देखती हूँ, तो सोचती हूँ एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन है यार। चाहे जो भी किया, छोटा किया बड़ा किया, पर बहाने नहीं मारे, थैंक गॉड। अगर आप भी बहाने मार रहे हो ना, सो बी अवेयर, जिंदगी आपको बहाना बना देगी एक दिन, और ये डेंजरस है आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, आपकी सोसाइटी के लिए भी। सिर्फ एक ही जगह आपको हेल्प मिलेगी, किस्मत के ऊपर दोष मढ़ने में सबसे ज्यादा आपको वही मदद मिलेगी। मेरी किस्मत थी, मेरी किस्मत में नहीं था। श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, किस्मत आप अपने हाथों से लिखते हैं। अगर अर्जुन ने युद्ध नहीं किया होता ना, तो आज हमारे पास ना श्रीमद् भगवत गीता होती, ना हमने महाभारत देखी होती। और वो भी ये बोलते, मेरी किस्मत थी, मैंने तो पहले ही बोल दिया था राजपाट नहीं चाहिए, मैं भिखारी की जिंदगी जी लूंगा, लेकिन मैं ऐसा युद्ध नहीं कर सकता, किस्मत थी। नहीं ना, हमें श्रीमद् भगवत गीता से, महाभारत से यही बताया गया कि किस्मत के भरोसे मत बैठो, अपना युद्ध खुद लड़ो। उठो, जगो, जलाओ आग, बंद बहाने। कैसे नहीं होता यार, सब कुछ सही होना स्टार्ट होगा। उठो तो सही, छोड़ो दो चीजें, 4 दिन छोड़ दोगे 5वें दिन फिर भाई, 10 दिन कर लोगे फिर 11वें दिन भाई, क्यों 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 नहीं 365 दिन वो चीजें कर सकते आप? बहाने बनाना बंद करो, वरना जिंदगी आपको एक दिन बहाने के रूप में परोस देगी और कुछ नहीं हाथ लगेगा। प्लीज अपना बना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, था कि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।